योगी आदित्यनाथ ने भाजपा मुख्यालय के कर्मचारियों और प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात की, सभी कर्मचारियों को मिठाई दी और लंबे चुनाव प्रबंधन में उनके काम को लेकर के उनकी तारीफ भी की। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया था जिन्होंने साथ में लंच किया और योगी आदित्यनाथ ने लंबे चुनाव के दौरान पार्टी के सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। ने लाखों कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम के प्रति आभार ज्ञापित किया और जो कार्यकर्ता वहां गए थे वो उनसे सामने संकल्प लिए कि जिस प्रकार 2022 हम लोग जीते हैं इसी प्रकार पूरी ताकत लगाकर 2024 में जीतेंगे। कामना दिया, जोरदार आशीर्वाद दिया और उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत का सबको सभी ने उनको मिलकर के बधाई दी, सबको शुभकामना दी। प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने जिस तरह से उन्हें स्नेह दिया है उसका प्रचंड बहुमत का असर दिखाई दे रहा है। अब सबको यही है, सभी कर्मचारियों का जो 3 महीने से चुनाव पर हर व्यक्ति मतदाता है, हर व्यक्ति का स्नेह है, सभी ने उसमें योगदान दिया तो ये जीत का प्रतिफल दिखाई दिया, ये असर दिखा। मुख्यमंत्री आवास पर आज दूसरे दिन भी लगातार लोगों से मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, जो पार्टी के जो विधायक हैं इसके अलावा पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो सभी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हुए थे, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों को भोजन पर भी बुलाया गया है, आज दूसरा दिन है। कल भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे थे, दिन भर उनकी मुलाकात हुई थी और आज भी मुख्यमंत्री अपने पार्टी के पदाधिकारियों, नवनिर्वाचित विधायकों, इसके अलावा सांसदों और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के उन सभी को बुलाया गया है। तो आज ये बैठकों का दिन, और आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कि आप ये देखिए कि जो भी पार्टी मुख्यालय के जो कर्मचारी हैं वो अभी मुख्यमंत्री आवास से निकले हैं, सबको मिठाई का डिब्बा दिया गया है, सबको मिठाई सबके हाथ में दी गई है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने सबसे मुलाकात की। आप लोगों से मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई है, कहाँ पे काम करते हैं आप? प्रदेश कार्यालय में काम करते हैं। तो क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री से मिले, बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इससे हम पूरे जोश के साथ वापस 2024 में पूरी मेहनत करेंगे। मिठाई आप लोगों को उन्होंने दी अपनी तरफ से? जी, मिठाई और प्रसाद टाइप का क्या है इसमें। कि लगातार आज अभी भी दूसरा दिन है आज और मुख्यमंत्री आवास पे हलचल बनी हुई है। कल भी बहुत सारे लोग अधिकारी पहुंचे हुए थे और इसके अलावा जो विधायक नव निर्वाचित थे उनके तो आने का सिलसिला लगातार बना ही हुआ है। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है जहां पर मुख्यमंत्री अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश मुख्यालय के जो तकरीबन 80 कर्मचारी हैं जो पिछले 3 महीने से लगातार पार्टी के चुनाव प्रबंधन में लगे हुए थे उनको भोजन पर बुलाया गया, उनसे मुख्यमंत्री ने एक एक करके मुलाकात की। कल मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारियों को उन्होंने रात में डिनर पर बुलाया था। तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और मुख्यमंत्री अपने नवनिर्वाचित विधायकों, पार्टी के पदाधिकारियों, भाजपा मुख्यालय के कर्मचारियों, मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारियों से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव के जो 3 महीने गुजरे हैं उसमें जो योगदान रहा है सबका वो सीधे अप्रिशिएट कर रहे हैं और सबसे मुलाकात करके सबकी बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं। कैमरामैन शिवम के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो मिलने मिलाए